छोटा सा एक उदाहरण ये दे सकते हैं कि घराने जो थे वो एक स्टेट, जैसे स्टेट होती है, राज्य होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से वो उस वक्त जिस कला प्रफुल्लित हो रही थी या बन रही थी, उस वक्त ये ट्रेडिशन बने कि भाई ये घराना है, उसकी खुशबू भी आई, और उसके जैसे फूल अलग अलग जगहों के पहाड़ों पे जाएं तो एक अलग वातावरण में वो फूल और वो वनस्पति मिलेगी आपको, समुद्र के किनारे चले जाएं तो कुछ और मिलेगा, रेतीले हिस्सा चले जाएं। उसी तरीके से मुझे अपने इस जयपुर के बारे में ये कहना कि जयपुर घराने में शुरू से ये रहा कि एक तेज प्रवृत्ति का एक सोच विचार से रहा, और मंदिरों में क्योंकि हमारे यहाँ मुग़ल शासन तो हुआ ही नहीं, तो वो जो मंदिरों का एक असर था वो तब भी था और वो चलता चला गया। और एक और कहते थे कि जितने बोल आप मुंह से बोल रहे हैं या जो कथा आप मुंह से कह रहे हैं वो करके दिखाओ, इसी को कहते हैं कथा कैसो कथक कहलाए। तो वो उसकी सफाई और उसकी तैयारी, और हमारे जो भाव पक्ष जयपुर घराने की विशेषता मेरे को जो लगती है, अब मैंने इतने सालों में जो महसूस किया वो ये, मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ श्रृंगारिकता के साथ भक्ति का बहुत ओतप्रोत रहा, उसको मिला के रखा।